आपकी इस कश्मीर के रियासत के कश्मीरी सेब देखकर मन कर रहा है कि आपके साथ कश्मीर चलें, पेड़ पर चढ़ें और वहां बैठकर एक एक सेब तोड़कर खाएं। ये आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? आपको क्या लगता है हम पेड़ पे नहीं चढ़ सकते? आलम बना, आपका हमारे कश्मीर में स्वागत। आइए और आकर के स्वर्गवासी हो जाइए। ये क्या तरीका है बात करने का माधव जी? स्वर्गवासी हो जाइए मतलब आप चाहते हैं हम आपकी रियासत में और आके मर जाएं? नहीं नहीं, जहां बना आप समझे नहीं। देखिए क्या है कि हमारे कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है। अब आप वहां पर आएंगे, कुछ वक्त गुजारेंगे तो कुछ वक्त के लिए स्वर्गवासी हुए ना, है ना? है ना रानी जी? जी हाँ राजा जी। ओहो, चुटकुला सुनाया आपने। अरे हम भी यहाँ पर कई चुटकुले सुनाते हैं, सब हंसते हैं सारे के सारे। ये ओहो, अरे रहिए सीधे आप, आएंगे सेब वो भी कश्मीर के। पिताजी हमें बचाइए, दो जंगली हाथी हमारे पीछे पड़े हैं, वो दोनों इधर ही आ रहे हैं। जंगली हाथी? हमारे महल में जंगली हाथी कहाँ से आ गए? ये क्या कर रहे हैं आप? जहाँ पर ना हाथी ऐसे ही तो बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं हमें पता है, वो जानने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन हमारे महल में कहाँ से आए जंगली हाथी? सिपाहियों जाओ, जाके पकड़ो जंगली हाथियों को, जाओ। अरे हाथी वहां है, सबके सब काम चोर डरपोक। जहाँ पर जब महल का मुख्य द्वार बंद है तो जंगली हाथी अंदर आएंगे कैसे? अरे लेकिन बच्चा कह रहा है कि जंगली हाथी इसके पीछे पड़े हैं। पिताजी वो दोनों आ गए, हमें छुपा लीजिए। आदित्य बेटा, ये दोनों सलीम वासु हैं, सलीम और वासु। आपने हमसे झूठ क्यों कहा कि आपके पीछे जंगली हाथी पड़े हुए हैं? ये दोनों तो गधे हैं। हम झूठ नहीं बोलते, अगर इन दोनों की जगह वाकई हाथी होते तो क्या? कोई बात नहीं, अब हम भागेंगे और आदित्य हमें पकड़ेगा, है ना आदित्य? चलो जहां बना हम आपको बताना चाहते थे कि हमारे बेटे आदित्य को झूठ बोलने की बड़ी गंदी आदत पड़ गई है। कितना भी समझा ले पर यह आदत जाती नहीं है, है ना रानी जी? जी हाँ राजा जी। जहां बना प्यार से डरा के धमका के हम हर तरह का प्रयास कर चुके हैं कि इसकी झूठ बोलने की आदत छूट जाए, परंतु हमारा हर प्रयास असफल हुआ। हालांकि हमसे प्यार बड़ा करता है, एक पल के लिए भी अगर हम दूर हो जाए तो रोना शुरू कर देता। जहां पना झूठ इसकी आदत में इतना शुमार हो चुका है कि इसका उस पर जैसे काबू ही न रहा, है ना रानी जी? जी हाँ राजा जी। माधव जी, बच्चे को समझने के लिए उसके मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। अब एक काम कीजिए, आप आदित्य को हमारे पास इस महल में कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए और देखिए कि उनकी झूठ बोलने की आदत हम यूं गायब करवा देंगे। रहने दीजिए जहां पना, इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। मुश्किल? ये क्या कह दिया आपने? यहां पर अकबर है, बीरबल है, वहां कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल। ठीक है जहां पना, यदि आपको इतना विश्वास है तो हम आदित्य को कुछ दिन के लिए यहीं छोड़ जाते हैं, है ना रानी जी? जी हाँ राजा जी। तो ठीक है फिर, हो जाए,
है ना बीरबल जी? जी हाँ जा बना जी। देखिए आदित्य बेटा, खाना आपका इंतजार कर रहा है, खाना खा लीजिए। नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे अपने माँ पिताजी के पास जाना है। बस एक बार आपकी ये झूठ बोलने की आदत आपका पीछा छोड़ दे, उसके बाद आपके माँ पिताजी को हम यहीं बुला लेंगे, और अगर आप सच बोलेंगे तो आपको कोई नहीं डांटेगा। क्यों डांटेगा? सब आपकी तारीफ करेंगे, तालियां बजाएंगे आपके लिए, तालियां। सच? हाँ सच। अगर हम सच बोलेंगे तो आप नहीं डांटेंगे? अरे क्यों डांटेंगे? ठीक है, आपका पेट है ना एकदम तंबू जैसा लगता है। सच सच कहा बेटा आपने, सच। और सच कहने पे कोई आपको नहीं डांटेगा, बल्कि तालियां बजेंगी, तालियां। सच बोला है, देखा, सच बोलेंगे तो तालियां बजेंगी और कोई नहीं डांटेगा। एक और सच बोले आपके बारे में? हाँ बोलो बोलो बोलो। आप जब चलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि तरबूज लुढ़क रहा हो। वाह वाह बेटा वाह, एक और सच, सच कहा आपने, सच कहने पर तालियां बजती है, तालियां। एक और सच बोले आपके बारे में? नहीं बेटा, हमारे बारे में बहुत हो गया, आप अपनी जिंदगी में सच बोलते रहा कीजिए, हमारे बारे में काफी है। नहीं, हम सच ही बोलते रहते, हम झूठ नहीं बोलते। ओहो अब्बा हुजूर, ये सब छोड़िए, हम आदित्य को एक ऐसी चीज दिखाएंगे जिसे देखने के बाद ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। ओहो क्या है चीज, दिखाइए। शाही खून है हम, ये सबको पता है, इसमें दिखाने की क्या जरूरत है। अरे नहीं नहीं, देखिएगा। देखो आदित्य बेटा, जो इंसान झूठ बोलता है उसे खुदा जानवर बना देता है। ये दोनों भी बहुत झूठ बोलते हैं, इसीलिए खुदा ने इन्हें कौवा और गधा बनाना शुरू कर दिया है, और जल्द ही ये पूरे कौवे और गधे बन जाएंगे। हमारे माँ और पिताजी भी बहुत झूठ बोलते हैं, क्या भगवान जी उनको भी जानवर बना देंगे? आपके अलावा आपके माता पिता भी झूठ बोलते हैं, वो क्या झूठ बोलते हैं? यही कि हम झूठ बोलते हैं। निकम में कहीं गए? चोर से क्या कर रहे थे तुम लोग? एक काम नहीं कर सकते, जाओ उस बच्चे को ढूंढो, ढूंढ के लाना। अरे भाई साहब, भाई साहब क्यों चिल्ला रहे आप? ना वो बच्चा है ना आदित्य? हाँ। वो सुबह से गायब है। क्या बच्चा गायब है? हाँ। रानी साहब, हमें आदित्य का लिखा हुआ ये खत मिला। खत? बिरबल जल्दी पढ़ो। आदित्य लिखता है, हम अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकते, और आप लोग हमें उनके पास नहीं भेजेंगे, इसलिए हम यहाँ से भाग कर अपने माता पिता के पास जा रहे हैं। हमारे माता पिता को खबर कर दीजिए कि हम भाग गए। हमारी मदद करने के लिए सलीम, वासु और रानी साहिबा का शुक्रिया। अरे ये क्या लिख दिया उसने? शाही खून है हम, भला हम उसकी भागने में मदद क्यों करेंगे? हाँ मुझे पता है, मैंने भी मदद नहीं की। हाँ हम तीनों ने कुछ भी नहीं किया है बिरबल, और सलीम के अप्पू अभी पुरानी मस्जिद गए नमाज पढ़ने, वो आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अरे ओ बिरबल, ये टक टक करना बंद करो और मूछे घुमाओ। हाँ हाँ रानी साहब। अरे जाके घुमा ना मूछ। सोच लिया? हाँ हाँ सोच लिया। सोच लिया ना? सोच लिया, मैं सोच लिया। अच्छा है, अच्छा है, अब बच जाएंगे। बस बहुत हो गया, मुर्गा बन के खड़े रहिए आप दोनों।
और हमें ये मत बताइए कि बच्चा सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था, लेकिन गायब तो हमारे महल से ही हुआ है ना। उस बच्चे की जिम्मेदारी किस पर थी? हम पर थी। पर आप लोगों ने उस बच्चे के भागने में उसकी मदद की? हमने नहीं भगाया, हमें छोड़ दीजिए। मुर्गा बन के खड़े रहिए आप। और रानी साहिबा, आप इन दोनों का साथ देंगी इसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अरे जापना हमारी बात। बस बीरबल, हमें किसी की और कोई बात नहीं सुननी है। जापना हमने कहा ना, हमने और किसी की कोई बात हमें नहीं सुननी है। जापना आदित्य के बारे में ही है। हाँ तो कहिए। जापना, हमने पूरे रियासत में नाकाबंदी कर दी है और उसे जगह जगह ढूंढा जा रहा। जापना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अरे माधव सिंह जी, आप लोग यहां तो खबर आप लोगों तक पहुंच ही गई। देखिए, हम मुआफी चाहते हैं। हम शर्मिंदा हैं कि आपका बेटा यहां हमारे महल से गायब हुआ है। जापना आदित्य कहीं नहीं गए, वो इसी महल में कहीं। बीरबल, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? महल का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया गया है, अब तक तो किसी को नहीं मिले। आपने खत पढ़ा नहीं उनका? उसी खत से हमें शक हुआ कि आदित्य इसी महल में छुपे हुए। खत में आदित्य ने लिखा था कि उनके भागने की सूचना उनके माता पिता तक पहुंचा दी जाए। जब उन्हें भागकर माता पिता के पास ही जाना था तो फिर सूचना देने की क्या आवश्यकता थी? बात तो आपकी सही है, फिर उसने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आदित्य अपने माता पिता से मिलना चाहते थे। वो जानते थे कि उनके गायब होने की खबर हम उनके माता पिता तक पहुंचाएंगे और उनके माता पिता दौड़े दौड़े हमारे इस महल में चले आएंगे। जी हाँ जहांपना, जैसे ही हमें बीरबल जी ने सूचित किया, हम लोग जाइए। आप घबराइए मत, वो मुर्गे हैं। आप कुछ कह रहे थे? जी हाँ जहांपना, जैसे ही हमें बीरबल जी ने सूचित किया, हम फौरन से पहले आ गए, है ना रानी जी? जी हाँ राजा जी। जापना, हमने इनके आने का शोर पूरे महल में करवा दिया। देखना, अभी आदित्य भी आते ही होंगे। माँ, पिताजी। कहाँ चले गए थे? आदित्य, आप इस महल में ही छुपे थे ना, तो फिर आपने खत में झूठ क्यों लिखा कि आप भाग रहे हैं? झूठ क्यों बोला बेटा? हम झूठ नहीं बोलते, अगर हम वाकई में भाग जाते तो अरे बच्चे, और हमारे बारे में ऐसा क्यों कहा कि हमने तुम्हारी भागने में मदद की? हम झूठ नहीं बोलते, अगर आप तीनों भागने में हमारी मदद करते तो। अब तो हमें मुर्गे से इंसान बना दीजिए। अरे इतनी देर तक तो कोई मुर्गा भी मुर्गा बन के खड़ा नहीं रह सकता। हाँ बुबू, अब क्या आप अंडों की राह देख रहे होगा? हम अंडे नहीं दे सकते। अरे मुर्गे हैं, मुर्गियां नहीं, दिमाग। हो जाइए, आप लोग सीधे खड़े हो जाइए। रानी साहिबा, हम आपसे मुआफी मांगना चाहेंगे, हमने आप पर भी शक किया। मिलते हैं थोड़ी देर में, कक्ष में मिलते हैं। रानी रूपमती जी, अब आप भी आदित्य के साथ जाकर मेहमान कक्ष में आराम कीजिए। जी सर। माधव सिंह जी, हम माफी चाहते। आपके बेटे की झूठ बोलने की आदत हम छुड़वा नहीं पाए। अब आप अपने बेटे को अपने साथ ले जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, आपके बेटे के झूठ बोलने की आदत की वजह से अभी अभी हमारा तलाक भी हो सकता था। हम माफी चाहते हैं, हम हार गए। नहीं जापना, आप हारे नहीं। हमने देखा है कि आदित्य अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। अब इनका यही प्यार आज रात को इनके झूठ बोलने की आदत को छुड़वाए।
अब आप सबको वही करना है जो हम आपसे करने को कहेंगे। और हमारी योजना ये है। बेटा आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? दो लोग हमारे माँ और पिताजी को उठा के लेकर गए। बेटा कम से कम अपने माता पिता के बारे में तो आप झूठ मत बोलिए। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो सच में हमारे माँ पिताजी को ले गए। आप देख लीजिए, वो नहीं है। बेटा झूठ मत बोल, हमें परेशान क्यों कर रहे हो? जाओ सो जाओ, चलो हम लोग चलते। वो कमरे में नहीं है, इस बार हम सच करें। आप जाके देख लीजिए। देखिए अभी तो हमें आ रही है नींद, हम जा रहे हैं सोने। इस बच्चे के झूठ के लिए हम अपनी नींद खराब नहीं कर सकते। बस बहुत हो गया, चलिए 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 हम भी चलते। अगर हमारे माँ पिताजी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप पे है, हम आपको माफ नहीं करेंगे। बेटा आदित्य, अगर आपके माता पिता को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगर आपको ये हर छोटी छोटी बात में झूठ बोलने की आदत नहीं होती तो शायद ये सब लोग आपकी बात को सच मान लेते और आपके माता पिता बच जाते। लेकिन चलिए हम चलते हैं। आप सही कह रहे हैं, हम बहुत गंदे हैं। अगर भगवान जी ने हमारे माँ पिता जी से हमें मिलवा दिया तो हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी नहीं। देखिए आदित्य, अब आपके माता पिताजी को सिर्फ भगवान ही बचा सकते। आप वादा कीजिए, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आज के बाद आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हो सकता है भगवान जी आपके माता पिता को लौटा दें। आपसे वादा करते हैं आदित्य बेटा कि हम भी आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं समझे? दरअसल हम सब ने मिलकर ये नाटक किया था ताकि आपको इस बात का एहसास हो सके कि झूठ बोलना बुरी बात है। आपके माता पिता कहीं नहीं गए थे, हमने इन्हें छुपा के रखा था। लेकिन इस आदत से बाहर निकलना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना कहीं ऐसा ना हो, ऊपर वाला ना करे, एक दिन आपके माता पिता के साथ सच में ऐसा हादसा हो और कोई आपकी बात पे विश्वास ना करे। नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। बहुत अच्छे आदित्य, बहुत अच्छे। माफ कीजिएगा राजा माधव सिंह जी, पर आदित्य के झूठ बोलने में आपका और रानी रूपमती का बहुत बड़ा हाथ है। ये कैसे? क्या है कि आप दोनों अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं जो कि आवश्यक नहीं है, और बच्चे अक्सर अपने माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं।
तो आदित्य ने भी ये सब आप दोनों से सीखा। उसे झूठ बोलने की आदत आप दोनों की वजह से ही हुई। हाँ, आपसे वादा करते हैं बीरबल जी कि आज के बाद हम कोई भी झूठ नहीं बोलेंगे, है ना रानी जी? जी हाँ राजा जी, हम हमारे बच्चे के लिए सब करेंगे। माँ जापना जी है ना, जब हम कुछ सच बोलते हैं ना तो ताली बजाते हैं। क्या हम आपके बारे में और सच बोले? अरे नहीं 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 नहीं, बस हमारे बारे में और सच मत बोलिए, ताली हम आपके लिए यूं ही बजा देते हैं।